नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों के वेतन वृद्धि के लिए कैलकुलेटर तैयार। मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वालों की जारी हुई सूची। अब बिहार की पुलिस होगी आधुनिक और हाईटेक। बिहार में मिले कोरोना के 5 से ज्यादा मामले। बिहार में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो स्कूल होंगे बंद। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री हुआ तो स्कूल होंगे बंद। बिहार में शीतलहर को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया जा सकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में भी यह माना गया है कि कोरोना की पैनिक स्थिति बिहार में नहीं है, पर अब यह तय हुआ है कि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे नीचे हुआ तो स्कूल में सुबह की कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। अभी बिहार में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में शीतलहर बढ़ने की आशंका है, यह बढ़ा तो स्कूल बंद होंगे। बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने इस आशय का आदेश सभी डीईओ को जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने जिलों को शीतलहर में उचित कदम समय रहते उठाने का निर्देश दिया है। मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वालों की जारी हुई सूची। बिहार बोर्ड पिछली बार की परीक्षा की तरह अगले साल होने वाली परीक्षा में भी अपने नाम नया कीर्तिमान स्थापित करने की योजना के साथ काम कर रहा है। यही कारण है कि बोर्ड ने अभी से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। बिहार बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2022 की तैयारी भी पूरी कर ली है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अंतिम रूप से सभी डीआईजी कार्यालय को परीक्षार्थियों की सूची भी भेज दी गई है और इस बार कुल 16,48,894 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। सबसे ज्यादा गया जिले में 73,852 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरने का काम कर लिया है। वहीं पटना जिला परीक्षार्थियों की संख्या 5वें स्थान पर है। अब बिहार की पुलिस होगी आधुनिक और हाईटेक। बिहार पुलिस अब और ज्यादा हाईटेक होने वाली है क्योंकि नीतीश सरकार बिहार पुलिस को आधुनिक और हाईटेक बनाने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने अब कई तरह के सामान की खरीदारी शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार बिहार पुलिस के लिए 18 हल्के आधुनिक ड्रोन की खरीदारी करने वाली है। ये ड्रोन एसटीएफ और मध्य निषेध को दिया जाएगा, जिससे कि शराब के निर्माण करने वालों पर नजर रखी जाएगी। इस ड्रोन में शक्तिशाली कैमरे लगे होंगे, जिसे न सिर्फ निगरानी का काम आसान होगा बल्कि इससे वीडियो भी देखा जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 25 करोड़ रुपए खर्च करके बिहार पुलिस के लिए वॉइस लॉगर के अलावा ड्रोन फ्रेम, हैंडहेल्ड और डीप सर्च मेटल डिटेक्टर की खरीद की जाएगी, जिससे कि अब अपराधियों को पकड़ना और आसान होने वाला है। पंचायत चुनाव जीतने वालों के घर में अभी से ही हैप्पी न्यू ईयर। बिहार में पंचायत चुनाव जीतने वालों का अभी से ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, खासकर उन लोगों का जो पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीतने वालों है। इनकी तो चांदी ही चांदी है, क्योंकि पंचायत समिति सदस्य मिलकर प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद सदस्य मिलकर जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यही कारण है कि अब इस चुनाव में वोट हासिल करने के लिए तोलमोल का बाजार खुल गया है। एक तरफ जहां एक एक निर्वाचित सदस्य को 4-4 जगह से ऑफर मिल रहे हैं। आलम कुछ यूं है कि पंचायत चुनाव जीतने वाले माननीयों में से किसी को नेपाल तो किसी को गोवा जाने का ऑफर मिल रहा है। अध्यक्ष और प्रमुख की कुर्सी पर बैठने के लिए नेता अपने समर्थकों की सूची लंबी करने के लिए खुलकर पैसे बहाने को भी तैयार हैं। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का पोल खोलने वाले कुलपति प्रोफेसर कुद्दूस ने राज्यपाल को भेजा इस्तीफा। इन दिनों बिहार में विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि हाल ही में कुलपति प्रोफेसर कुद्दूस ने राज्यपाल को विश्वविद्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसके तहत कॉपी खरीद और सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति के मामले में वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप समेत कई अन्य गंभीर आरोप प्रोफेसर कुद्दूस ने विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह पर लगाए थे, लेकिन बीते दिन उन्होंने ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया। हालांकि अभी उनके इस्तीफे के पीछे का कारण और राज्यपाल का इस मामले में फैसला सामने नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रोफेसर कुद्दूस के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप के बाद बिहार में विश्वविद्यालयों में बड़े स्तर पर हो रही धांधली का मामला सामने आया था। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को जब इसकी शिकायत की थी तो खुद मुख्यमंत्री ने भी इसकी जांच के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया था। सीएसबीसी आज जारी करेगी पीईटी फॉरेस्टर गार्ड के एडमिट कार्ड। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल आज यानी कि 18 दिसंबर को फॉरेस्टर और फॉरेस्टर गार्ड के पद के लिए फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी करेगा, जिसके बाद जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन दिया है वो सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in से अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे, सीएसबीसी पीईटी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने पंजीकरण संख्या और जन्म तारीख की आवश्यकता होगी। हालांकि उम्मीदवारों को यह सख्त सलाह दी गई है कि उम्मीदवार हर हाल में एडमिट कार्ड पर दी गई डिटेल को चेक कर ले। बिहार के कई शहरों में जहरीली हवा हुई तो कई शहरों को मिली राहत। बिहार में भले ही ग्रामीण आबादी बहुत है, लेकिन शहर
शहरों की हालत महानगरों से भी खराब होती जा रही है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि बिहार के विभिन्न शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स का कहना है। हालांकि बीते कुछ दिनों के मुकाबले अब थोड़ी राहत पटना समेत अन्य शहरों को जरूर मिली है। शुक्रवार को ही पटना का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया, जो कि अमूमन 300 के पार ही दर्ज किया जाता रहा था। हालांकि मुजफ्फरपुर की हवा का स्तर अभी भी बेहद ही खतरनाक है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष की माने तो पछुआ हवा के कारण बिहार के शहरों की स्थिति में सुधार हुआ है। बिहार में बढ़ने जा रहा है पशु चारे का भाव। कृषि विज्ञान केंद्र अब किसानों से खरीदेगा पुआल। प्रदूषण बिहार समेत कई राज्यों के लिए बड़ी समस्या है। हालांकि इसका निदान कैसे निकाला जाए, इसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण तो हवा जहरीली होती ही है, साथ ही पराली जलाने में भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन अब किसानों को इसका निदान मिलने वाला है, क्योंकि अब पराली का मोल बढ़ने वाला है। कॉम्फेड यानी कि बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन ने 2 रुपए प्रति किलो सूखा पुआल खरीदने का प्रस्ताव बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के जरिए कृषि विज्ञान केंद्र को दिया है, जिसके बाद केवीके से कॉम्फेड 3 रुपए किलो अब खरीदने वाला है। इसको लेकर कॉम्फेड ने कृषि विश्वविद्यालय को पत्र भी जारी कर दिया है। शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों के वेतन वृद्धि के लिए कैलकुलेटर तैयार। वर्ग 1 से लेकर 12 तक में पढ़ाने वाले 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों को नए साल में सरकार की तरफ से वेतन वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसको लेकर जिस कैलकुलेटर का इंतजाम किया जा रहा था, अब वो तैयार हो गया है। वेतन में 15% बढ़ोतरी की गणना के लिए कैलकुलेटर का प्रेजेंटेशन भी दिया गया। नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2021 से दिया जाना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनके वेतन में 2010 से 5,120 रुपए तक की बढ़त होगी। वेतन के अलावा इन्हें महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान के लिए किराया भत्ता के साथ ही वार्षिक वृद्धि में भी मिलने वाली है। ज्ञात हो शिक्षा विभाग ने पहले ही तय कर लिया था कि अब साल में 2 बार की जगह 1 बार ही जनवरी में वेतन वृद्धि दी जाएगी। आज कांग्रेस ने पूरे बिहार में किया हल्ला बोल। कांग्रेस अब अपनी राजनीतिक जमीन को बिहार में मजबूत करने की पहल शुरू कर चुका है। यही कारण है कि अब देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और केंद्र सरकार को जन विरोधी बताते हुए बिहार कांग्रेस ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी। इसको लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के निर्देश पर शनिवार को महंगाई के खिलाफ सभी जिलों के कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता सड़क पर पदयात्रा करते देखे गए और सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया। इस बाबत बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा थोपी गई महंगाई और बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। बिहार में मिले कोरोना के 5 से ज्यादा मामले। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 8 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 81 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो किशनगंज में 1, पटना में 2, सारण में 1, समस्तीपुर में 2 और वैशाली में 2 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में कोई भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,78,753 सैंपल की जांच की गई, वहीं 10 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। पटना के ग्रामीण कार्य विभाग का इंजीनियर निकला धन कुबेर। इन दिनों निगरानी विभाग के निशाने पर एक के बाद एक धन कुबेर आ रहे हैं, जिसके कारण ही सरकार के नाक के नीचे लाखों करोड़ों रुपए का गबन लगातार करने वालों की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो रहा है। आलम कुछ यूं है कि लगातार दूसरे दिन राज्य में भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शनिवार सुबह ही पटना के राजीव नगर इंद्रपुरी में ग्रामीण कार्य विभाग के एक इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी हुई। खबर जाने तक इस इंजीनियर के ठिकानों से करीब 50 लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे। इसके साथ ही निगरानी के अधिकारी भी हैरान थे। हालांकि बरामदगी से जुड़ी डिटेल की आधिकारिक स्तर पर पुष्टि नहीं हुई थी। इससे पहले बीते दिन ही समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। सिन्हा और दास की सेवा विस्तार में लालू की नहीं थी भूमिका। बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लगातार सुनवाई का दौर जारी है। इस बीच बीते दिन एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की तरफ से बहस जारी की गई। इस दौरान सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कहा कि डॉक्टर एसबी सिन्हा और आरके दास की सेवा विस्तारीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं है, जो हुआ वो विधिवत हुआ था। अधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए अदालत को यह भी कहा कि लालू प्रसाद ने तो 2 साल की जगह 1 साल ही सेवा विस्तार की मंजूरी दी थी, जबकि पूर्व में 2 साल सेवा विस्तार स्वीकृत था। इस मामले में लालू प्रसाद पूरी तरह से निर्दोष है, जिसके बाद ही लालू प्रसाद की तरफ से शनिवार को भी बहस जारी रहेगी। इस मामले में और 2 आरोपियों की तरफ से बहस पूरी की गई है। डोरंडा कोषागर से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े मामले में अब तक 85 आरोपियों की तरफ से दलीलें पूरी कर ली गई हैं। पटना में कई आईपीएस अफसरों को मिला प्रमोशन। बीते दिन बिहार पुलिस महकमे में कई आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन देने का काम किया गया है। इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई थी। प्रमोशन की इस लिस्ट में पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा का नाम शामिल है। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा को डीआईजी में प्रोन्नति मिली है। वहीं एसपी रैंक प्रवर कोटी के सनी कुमार, सत्यवीर सिंह, विकास बर्मन, नीता शाह गुड़िया, किम
मनोज कुमार, संजय कुमार, विकास कुमार, दिलीप कुमार मिश्रा, अश्विनी कुमार, अमजद अली, अरविंद ठाकुर को भी प्रमोशन दिया गया है। अगली पोस्टिंग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सभी अफसरों के प्रोन्नति प्रभाव हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय पुलिस सेवा के डीआईजी रैंक के कई अफसरों को आईजी में प्रमोशन मिला है। इसमें विनायक कुमार, प्रांतोष कुमार दास, पंकज सिन्हा समेत अन्य का नाम शामिल है। इसके अलावा गृह विभाग ने एसपी रैंक के कई अफसरों को जो कनीय प्रशासनिक कोटे में है उन्हें प्रवर कोटी वेतनमान में प्रोन्नति दी गई है। विराट कोहली और राहुल द्रविड़ की टीम के बीच जमकर हुआ मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अपनी तैयारियों में जुट गई है। करीब 10 घंटे फ्लाइट में समय बिताने के बाद खिलाड़ी एक दिन क्वारंटीन में थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। बीसीसीआई ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें टीम के खिलाड़ी भारतीय टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं। ट्रेनिंग सेशन के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने वहां के माहौल के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए कुल नॉर्मल एक्टिविटी में भी की। इस दौरान खिलाड़ियों ने फुटबॉल और वॉलीबॉल में भी अपने हाथ खोले। उनके साथ टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ भी मौजूद थे। इसी बीच द्रविड़ और कोहली की टीम के बीच एक मुकाबला भी हुआ। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजू कुमार, इंदिरा देव कुमार, उरूफ लदन, मुन्ना यादव, संजीत कुमार पासवान, सलाउद्दीन अंसारी, मनीष मोहरा ऑफिशियल, अंकित कुमार, पंकज कुमार, संबित कुमार, सर्वजीत कुमार, रोहित मंडल, नीतीश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हमारे दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार को कौन सा नियम तत्काल प्रभाव कर देना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।